तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एमडीएल नॉन एक्टिव रिक्वायरमेंट 2024 के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमडीएल में एक बड़ी पदों पर भर्ती निकाली गई जिसका आवेदन फॉर्म शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे जो आपके लिए आवेदन फॉर्म भरने में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते दोस्तों एमडीएल की तरफ से वैकेंसी ऑप्टिमाइज किया गया। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल और सैलरी का डिटेल दिया गया। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कितने अलग अलग पदों पर फिल्टर निकाली वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, यहाँ पे फिल्टर, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर, यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों उसी प्रकार से अलग अलग पोस्टों के लिए भर्ती निकाली गई। सिविल है, पेंटर है, पेज पेंटर है, देख सकते हैं राइडर है, यहाँ पे स्कॉट कीपर है। दोस्तों सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं फायर फाइटर है, सेल मेकर है। उसी प्रकार से यहाँ पे अलग अलग पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों यहाँ पे सैलरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी प्रकार से पोस्ट वाइज एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल दिया गया कि कौन सा पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट रखी गई है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों आवेदन फॉर्म भरने से पहले आप यहाँ पे पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया। आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी को पढ़ लें। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जानकारी मेंशन किया गया। दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया जिसमें स्किल टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों आप यहाँ पे आवेदन का प्रोसेस के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया। इसका आवेदन फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं 11 सितंबर 2024 से शुरू हो चुका है और 1 अक्टूबर 2024 तक चलने वाली। दोस्तों यहाँ पे पूरी जानकारी को मेंशन किया गया। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो आप वीडियो अंत तक बने रहिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको एमडीएल का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसी साइट के माध्यम से आप आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों आपको नीचे आना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक देखने को मिलेगा। दोस्तों सिंपली अगर आप इस साइट के माध्यम से पहले किसी भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं तो आपको सिंपली यूजर आए यहाँ पे नेम पासवर्ड डालना है और कैप्चर फिल करना होगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू कैंडिडेट है पहली बार इस साइट के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं नया खाता बनाए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का डिटेल खुल जाएगा। दोस्तों आपको सिंपली सबसे पहले यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा दोस्तों आप नाम का क्या लगाते हैं, MR MS जो भी लगाते हैं दोस्तों आप सिंपली सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना होगा तो सिंपली अपना फर्स्ट नेम डालिए। दोस्तों उसके बाद मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़िए। उसके बाद लास्ट नेम यानी कि सर नेम यहाँ पे डालिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेगा, कैलेंडर से सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना होगा आपका कौन सी ईयर है डेट ऑफ बर्थ में, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, सिंपली मंथ सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद डे सेलेक्ट कीजिए। हम डेमो के लिए फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों तो हम कुछ भी सेलेक्ट कर देते हैं, आप अपने एक्चुअल डेट को सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद सिंपली आपको जेंडर बताना होगा आप मेल है फीमेल है, अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी ईमेल आईडी बताना होगा दोस्तों, ईमेल आईडी जो यूज करते हैं यहाँ पे बताना होगा, एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, कोई अल्टरनेटिव ईमेल आईडी डाल सकते हैं, नहीं तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना होगा, सिंपली मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों या आप शरीर रूप से विकलांग है यानी कि आप यहाँ पे विकलांग कैंडिडेट है तो हाँ तो यस, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपको कैप्चर फिल करना होगा, कैप्चर फिल करने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन का लिंक आपको ईमेल पर भेजा गया दोस्तों, तो सिंपली आपको ईमेल खोलकर यहाँ पे वेरिफिकेशन लिंक को यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं इसमें टाइम भी लगता है दोस्तों, तो कुछ देर आपको वेट करना होगा। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं आप वेरिफिकेशन लिंक को यहाँ पे चेक करिए, आपका ईमेल पर जाकर चेक करना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको फिर से लॉगिन वाले पेज पर आना होगा और यहाँ पे यूजर नेम डालना होगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे यूजर नेम डालिए, पासवर्ड डालिए और उसके बाद कैप्चर फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने पोस्ट का डिटेल आ जाएगा। दोस्तों आप किस पोस्ट पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सभी पोस्ट का डिटेल दिया गया, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जानकारी को इसमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मेंशन किया गया। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आकर एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे जानकारी शो किया जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन में जानकारी भरे होंगे यहाँ पे शो किया जाएगा। दोस्तों सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो भी जानकारी भरा हुआ मिलेगा, कुछ जानकारी खाली मिलेगा तो उसे भरना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम डालिए, मिडिल नेम डाल सकते हैं, खाली छोड़िए। उसके बाद लास्ट नेम डालिए, सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं। मैरिड स्टेटस आपको बताना होगा, आप मैरिड है या अनमैरिड है अपने अनुसार बता सकते हैं। उसको कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो डालिए, नहीं छोड़ दीजिए। उसके बाद नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना होगा, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं डोमिसाइल स्टेट बताना होगा, आप किस स्टेट के कैंडिडेट है यहाँ पे देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट आपको डालना होगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट एग्जाम सेंटर का चॉइस करना होगा, तो जो भी आपका सेंटर है यहाँ पे चुन सकते हैं दोस्तों, जहाँ भी।
उसके बाद अगर आप विकलांग कैंडिडेट है तो यस नो कीजिए दोस्तों। यहाँ पे एक सर्विस मैन वगैरह तो आप यस नहीं तो सिंपली नो कीजिए। तो ये सब आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं दोस्तों, पढ़कर यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप वर्किंग है कहीं काम करते हैं तो आप यस या नो यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। डू यू प्राइसिंग ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस कीजिए, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार यस या नो कर सकते हैं दोस्तों। यस कीजिएगा तो उससे रिलेटेड जानकारी मांगा जाएगा, नहीं कीजिएगा तो ये सब ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे टिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मिडिल एम में अप्रेंटिस वगैरह की है तो यस नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कीजिए। रिलीजन आपको बताना होगा, हिंदू मुस्लिम जो भी बताइए। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सिंपली सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पे एड्रेस का जानकारी मांगा जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस का जानकारी आपको डालना होगा दोस्तों। क्रॉस कोरमेंट एड्रेस का जानकारी, तो विलेज का नाम आप डाली, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 को मिलाकर फुल क्रॉस कोरमेंट एड्रेस का जानकारी आपको फिल करना होगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे एड्रेस का जानकारी आप फिल कर दीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे। तो एड्रेस आपको लिखना होगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं विलेज या सिटी के अनुसार जहाँ भी रहते हैं स्टेट सेलेक्ट करना होगा। सिटी का नाम डालिए, अपने एरिया का पिन कोड डालकर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल मांगा जाएगा, किस पोस्ट पर आप आवेदन कर रहे हैं उसका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ शो किया जाएगा दोस्तों। आपको इंस्टीट्यूट नेम, किस इंस्टीट्यूट से पास किए हैं तो सिंपली आपको इंस्टीट्यूट नेम आपको डालना होगा। पासिंग ईयर आपको बताना होगा दोस्तों, किस वर्ष आप पास किए हैं, तो कैलेंडर से सबसे पहले ईयर, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मंथ, उसके बाद डे सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आपको बताना होगा। सिंपली यहाँ पे सब्जेक्ट बताइए, तो जो भी सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे बता सकते हैं दोस्तों। सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट बताने के बाद आपको मार्क बताना होगा, कितना मार्क परसेंटेज में आया था सिंपली परसेंटेज बताइए। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम मार्क आपको बताना होगा, पासिंग मार्क कितना था सिंपली बताइए। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन बताना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है बताना होगा दोस्तों। उसी के बाद कोई और अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो बता सकते हैं, नहीं इससे खाली भी छोड़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, तो सिंपली कोई अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उसको अल्टरनेटिव में। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक्सपीरियंस का डिटेल खुल जाएगा। तो आपके ऊपर यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो सिंपली आपको एक्सपीरियंस डालना होगा दोस्तों। यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है किसी पोस्ट में, किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करें उस पर एक्सपीरियंस मांगा गया, तो आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन बताना होगा दोस्तों। यहाँ पे पोस्ट का हेल्थ बताना होगा, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं वर्कर फोन बताना होगा और वर्किंग यहाँ पे टी बताना होगा। तो सिंपली डेस्टिनेशन वगैरह यहाँ पे सभी जानकारी एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पे बता सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया तो सिंपली इसे क्लोज कर दीजिए। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा दोस्तों। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में फोटो या पीएनजी में अपलोड कर सकते हैं। सिंपली फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपलोड कीजिए। उसके बाद अगले ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप आपके फैमिली यहाँ पे देख सकते हैं एमडीएल में काम करते हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप बता सकते हैं सिंपली काम करते हैं या नहीं, तो यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। शुरू से अंत तक कुछ गलत लग जानकारी दी है, कुछ गलत लगता है तो देख सकते हैं एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। अब जानकारी गलत नहीं है, सिंपली सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के लिए डिग्नेशन आपको आएगा दोस्तों यहाँ पे 6 है, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन शुल्क जमा करने के लिए क्लिक है, पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही पे नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने पेमेंट का डैशबोर्ड खुल जाएगा दोस्तों। इसमें अलग अलग माध्यमों का सहारा लेकर आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड, तो जिस भी माध्यम का सहारा लेकर आप पेमेंट जमा करना चाहते हैं आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा, जिसे निकालकर हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू जॉब के फॉर्म की जानकारी के साथ।